और मैं हूँ आपके साथ कुलवंत सिंह। देश भर में 260 रिपोर्टों के साथ आपकी आवाज हम पहुँचाएंगे सरकार तक। के साथ निशा यादव, मुद्दा आपका उठाएंगे हम बेबाक बोल, देश के कोने कोने की हर खबर। चंदा मुजफ्फरनगर के अग्रवाल मार्केट स्थित चंद्रशील डिस्ट्रीब्यूटर पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष सुभाष चौहान के द्वारा ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की सर्वसम्मति से त्रिवार्षिक ACM में पुनः विजय हासिल होने की जानकारी थी, जिसमें मंत्री जगन्नाथ शिंदे जी को पूर्ण अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। महामंत्री के पद पर राजीव सिंगल और KK सेलवन को पुनः निर्विरोध निर्वाचित किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुभाष चौहान है, मैं मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर हूँ। जी, किस तरीके केमिस्ट एसोसिएशन ने विजय पाई है? आज हमारा जो मीटिंग हर्षोल्लास का विषय हमारे लिए, दवा व्यापारियों के लिए, मुजफ्फरनगर और ऑल इंडिया के लिए है, क्योंकि पुनः ऑल इंडिया जो सबसे बड़ी संस्था है दवा व्यापारियों की, वो पुनः निर्विरोध चुन के आई है, क्योंकि सबसे बड़ी संस्था है, सभी दवा व्यापारी उसी संस्था से जुड़े रहते हैं, तो ये बहुत हर्ष का विषय है। इसलिए मुजफ्फरनगर में एक सूक्ष्म मीटिंग का आयोजन किया और खुशी का इजहार किया। सर, किस तरह का काम करती है दवा व्यापारियों के लिए? दवा व्यापारियों के लिए इनका जो मेन उद्देश्य है, जो कंपनियों द्वारा कोई भी समस्या, दवा व्यापारी की किसी भी तरीके की समस्या होती है, उसके लिए ये संस्था निरंतर कार्य करती रहती है। सुभाष जी, जैसे कि अब नशीली और जहरीली दवाइयां बाजार के अंदर है, तो संगठन किस तरह की कार्रवाई उन लोगों के लिए कर रहा है जो नकली बनाते हैं? देखिए, हमारा संगठन, तो मैं पर्टिकुलर अपने बारे में कहूँ, जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ तब से ही नकली और नशीली दवाओं के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूँ। मुझे कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है, और जिसको धमकी दिया उसने एफिडेविट भी दे रखा है, लेकिन प्रशासन अब क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वैसे ड्रग विभाग समय समय पर कार्रवाई भी करता रहता है, और हमारा नशीली दवा कारोबारियों से या नकली दवा कारोबारियों से कोई लेना देना नहीं है, ना हमने उनका कभी साथ दिया है ना देंगे। सर, दवा व्यापारियों लिए क्या, कहाँ तक हेल्प रहती है संगठन की तरफ से? नहीं, संगठन अगर कोई निर्दोष दवा व्यापारी है तो संगठन उसके साथ खड़ा है। किसी भी समय आप देखते भी होंगे कि मैं जहाँ भी दवा व्यापारियों को आवश्यकता होती है मेरी, मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ। अभी पोर्टल का मुद्दा उठाया हुआ है, पहले भी जब जब मेरे दवा व्यापारी पे कोई प्रॉब्लम होती है मुझे याद करते हैं, मैं हाजिर होता हूँ। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।